एडवांस क्यों, अब तो ये मुबारक है ही है। चांद तो दिख गया। अरे अभी ये देखो, मैं ये देखो चांद रात वाले दिन इन बच्चों ने क्या, ये हमारे स्पेशल मसाला बन रहा है, सीक्रेट मसाला क्लारा मचाया हुआ है। क्लारा का है बस इतना सा है। ये बहुत टेस्टी मैगी बनती है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है चांद रात, सबको ईद मुबारक। और अभी यहाँ पे चल रही बच्चों की, अब तो ये पूरी रात जगेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। पहले मसाला डालना, मसाला पहले डाला तुम लोगों ने, मसाला पहले, अरे हम दूसरी तरीके वाली बनाने, इसमें थोड़ा सा बटर डालिए जब बने ना, पहले इसको मिक्स करेंगे फिर इसको पकाएंगे मसाले को अच्छे से, ऐसे लगे। तो अभी यहाँ पर बच रहे हैं सुबह के 4 और अभी हम लग गए हैं सुबह के लिए, तो खाना वगैरह बनाना है उसकी तैयारी करने के लिए। तो एक पेशीर जो है अम्मी रख चुकी हैं, और मतलब मेरी सास, और यहाँ पर ये बिरयानी की तैयारी हो रही है, और भल्ले जो है दही भल्ले वो मेरी जो बड़ी वाली शिनानी है वो बना रही हैं, और ये है अम्मी की बैठक, और यहीं पर नीचे ही सारा कुछ बनता है। और मतलब ईद वाले दिन सारा काम नीचे ही होता है, ऊपर कुछ भी नहीं होता, तो हम नीचे ही इकट्ठे होकर कर लेते हैं। बड़ी वाली जो है वो भल्ले अलग बना रही है फिलहाल, और जो बाकी के जो सामान है कस्टर्ड वगैरह जो भी है वो सारा कुछ नीचे बनेगा, और बिरयानी नीचे बनेगी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और सुबह का काम ख़त्म हो चुका है, जो थोड़ी बहुत क्लिप ली थी मैंने वो मैंने ऐड कर दी है। थोड़ा बहुत काम अलग अलग होता है क्योंकि हम तीन हैं, तो जो आज जो बड़ी वाली जो है हमारी जिठानी जो है उन्होंने अलग बनाया था, वो नीचे आ गया था, फिर बाद में हमने अम्मी के साथ बनाया था। तो बस ऐसे काम का पता नहीं चलता, हमारे ईद वाले काम का तो पता नहीं चलता, बड़े आराम से हो जाता है इतने सारे जनों में। और बाकी तो बस अभी हो गया है सब कुछ, मेहमान आ गए चले गए, और अब मैं ऊपर आ गई हूँ अब नीचे से सारा काम ख़त्म कर। और ये देखो अयान, तुम भी बोलो ईद मुबारक। ईद मुबारक। और अभी हम शाम को जाएंगे अम्मी के घर, तो अभी जो मैंने तो जो मैंने ईद के कपड़े बनाए थे वो मैं जब भी पहनूंगी जब मम्मी के घर जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये सिंपल सा सूट डाल लिया अभी। तो ये है मेरा ईद का सूट जो मैंने बनाया था, तो इस पे नेक पे मोतियों का वर्क हो रहा है, और नीचे और बाजू पे हल्की सी लेस लगी हुई है। तो मुझे बस हल्के ही कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं जो भारी कपड़े पसंद नहीं है। तो ये इसकी बॉटम थी और ये इसका दुपट्टा है। तो अब बस मैं तैयार होने जा रही हूँ, और तैयार होकर अम्मी के घर जाऊँगी, वहाँ पे शबाना भी आ रही है। तो चलिए पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। आ गई हूँ मैं अम्मी के घर पे, और अभी शबाना आई नहीं है तो उसी का वेट हो रहा है। तैयार हुए और फिर सीधे ना अम्मी के घर पर आ गए। दोपहर में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लेट गए थे थोड़ा सा, तो फ्री होके तो 10-5 मिनट के लिए सो गई थी। बाकी अभी अभी आए हैं अम्मी के घर पर, शबाना आ जाए फिर उनसे मिलते हैं, और फिर थोड़ी देर रुकते हैं और फिर घर चलेंगे। और ये है मेरा सूट जो कि पहन के कुछ ऐसा लग रहा था, और यहाँ पे शबाना भी आ चुकी थी। और अभी हम फिलहाल थे सबसे ऊपर, अपनी बड़ी वाली जो भाभी हैं उनके फ्लोर पर, सबसे पहले हम वहीं गए थे अम्मी के घर आने के बाद। तो वहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही थी, लाइटें जला रहे थे, बंद कर रहे थे, बस यही चल रहा था, और बाकी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी, बस यही थोड़ी सी मस्ती वगैरह चल रही थी बच्चों की, तो मैंने यही वीडियो बना ली। और इसके बाद फिर गए थे हम छोटी वाली भाभी के फ्लोर पर, और वहाँ पे हमने खाना पीना, बड़ी भाभी ने भी लगाया फिर छोटी भाभी ने लगाया, तो जल्दी जल्दी में याद दिला, फिर हम खा चुके थे, फिनिश कर चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो तो ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम घर आ गए। और ये है बासी ईद का, बासी ईद वाले दिन उसने अलीज़ा ने मेरे मेहंदी लगाई थी और कुछ ऐसे लगाई थी, और फिर हम दूसरे दिन भी सो गए फिर सुबह उठ के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है ईद का तीसरा दिन, कल हमने कुछ नहीं किया, कहीं नहीं गए, थक गए थे इतना, तो फिर बस आराम किया कल पूरे दिन। और फिर कल अलीज़ा ने मेरे मेहंदी लगाई थी, ऐसे ही रहती है, रस्ती नहीं है मेहंदी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने, देखते हैं कहाँ जाएंगे, डिसाइड नहीं है अभी, और बस अभी हम निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और निकलते हैं फटाफट, सब तैयार हो चुके हैं, तो चलो गाड़ी में मिलते हैं। और उनको हम निकल चुके हैं वहाँ पर जाने के लिए बाहर, क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर ही खड़ी होती है। तो अभी बस पहुँच के फ़ोन करते हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, फ़ोन नहीं करते मिलते हैं।
तो यहाँ पे हमारे साथ जा रही थी शबाना और उसकी फैमिली, तो यहाँ पर हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्योंकि अभी तक यही डिसाइड नहीं था कि जाना कहाँ है। तो फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि चलो जहाँ अच्छा लगेगा वहीं चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा जगहें जो हैं हमने देख रखी हैं। तो फिर हम निकल गए थे और हम यहाँ पर पहुँचे सबसे पहले निरंकारी पार्क में। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुके थे, फिर हम घूमे, फिर थोड़ा सा धूप होने लगी थी, तो उसके बाद हम ज़्यादा नहीं घूमे थे इसके अंदर। इसमें घूमने के बाद फिर हम निकल गए थे। तो चलिए मैं अंदर से दिखाती हूँ आपको ये कैसा है। हमारी भी लग रही है, इनके भी विशाल मेगा मार्ट की है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, देखो इनके भी विशाल मेगा मार्ट की है। तेरे दूल्हे कहीं नहीं जाने देते, अच्छे खासे वहाँ जा रहे थे, फूल फूल होते वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे। अम्मी मार दी, अम्मी यहाँ पे झूले भी होते हैं, अम्मी झूले होते हैं, वो खंडर से झूले थे उसमें। आँख भी नहीं खुल रही, वाली स्टोरी सुनी आपने? कौन सी? एक लड़की थी, मतलब वेल स्टडी। अरे किधर जा रहा है? अरे यहाँ क्यों भगा रहा है उसे? ये आ रही है पूरी पलटन पीछे से, और थोड़ी आगे चल रही है, थोड़ी पीछे चल रही है। आगे की दिखाती हूँ अभी, ये देखो आगे चल रही है पलटन पार्टी। तो यहाँ पे घूम लिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं और अब हम जाने लगे हैं दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पर धूप भी हो गई थी और फिर हमने ये पहले भी देखा हुआ है। तो एक तो धूप इतनी हो रही थी कि मेरी आँखें भी नहीं खुल रही थी धूप की वजह से। तो बाकी बस अब हमने घूम लिया है और अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, और कहाँ जाएंगे तो वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो अगर जो भी हम जाएंगे अब आगे, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।